हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारे YouTube चैनल डिजिटल बिहार पे हमेशा एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में डाली जाती है। दोस्तों जस्ट वैसे ही मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। और वो वीडियो किस वेट पे है दोस्तों, इस वीडियो पे हम अपनी पेन ड्राइव या हमारी हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा फॉर्मेट या डिलीट हो जाए तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम रिकवर कर सकते हैं, 100% ये काम करता है दोस्तों, मैंने खुद ही से यूज किया है। दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं, हमने अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाया है। दोस्तों पहले तो हम आपको पेन ड्राइव फॉर्मेट करके दिखाते हैं। जैसे ये अबू हमज़ा के नाम से पेन ड्राइव है, ये 16 GB का है जिसमें 14 GB फ्री है। दोस्तों इसमें आप डेटा देखेंगे तो ये दो फाइलें बनी हुई हैं जिसमें कुछ गाने और कुछ सॉन्ग्स वगैरह हैं। दोस्तों इसे सिंपल से हमें क्या करना है, फॉर्मेट कर देना है। दोस्तों इसे राइट क्लिक किया हमने, फॉर्मेट कर दिया, और फॉर्मेट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप जैसे जानते हैं फॉर्मेट नॉर्मली हमारा फॉर्मेट वैसे करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मेट हो गया, ओके कर देंगे, ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अबू हमज़ा में तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, यानी एकदम खाली है। अब हम दोस्तों चलते हैं ये पेन ड्राइव में रिकवर हम कैसे करें डेटा को। दोस्तों सिंपल सा है हमारा, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है RECUVA, यानी रिकुवा। रिकुवा सॉफ्टवेयर को हमें ओपन करना है दोस्तों। इस पर डबल क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो के आएगा, इसे सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि एक बॉक्स खुल के आएगा हमारे पास, उस बॉक्स को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। जैसे इसमें लिखा रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको ऑल फाइल चाहिए या पिक्चर चाहिए, म्यूजिक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। दोस्तों हमें अगर ऑल चाहिए तो ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, देखेंगे फाइल लोकेशन का, फाइल लोकेशन वेयर वेयर योर फाइल। तो दोस्तों हमें इसमें सिंपल सा करना क्या है, इन अ स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करके हमें वही पेन ड्राइव वही हार्ड डिस्क देना है जिसमें से डेटा हमारा फॉर्मेट हो चुका है। दोस्तों हमारे पेन ड्राइव का नाम था अबू हमज़ा, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे दोस्तों, सिंपल सा वो ड्राइव यहाँ आ गया है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे हमारी स्कैनिंग, यस करने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे स्कैन लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये 20 मिनट मांग रहा है स्कैन करने के लिए। जी दोस्तों, तो देखेंगे कि हमारी ये 99% करंट प्रोसेस हो गया है और 3 सेकेंड और बचे हैं जिससे हमें कंप्लीट हो जाएगा, हमारी पेन ड्राइव का डाटा स्कैन हो जाएगा और आपके सामने इस बॉक्स में ओपन हो के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3 सेकेंड ऑन बचा है हमारा और ये हो गया हमारा कंप्लीट डेटा। देखेंगे दोस्तों कि सारा डेटा हमारा आ चुका है, जितना डेटा इसमें था सारा आ चुका है। अब इस डेटा को हमें रिकवर कैसे करना है, अपने रिस्टोर कैसे करना, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और ये टोटल A to Z जो है टोटल सिलेक्ट हो गया है, अगर आपको एक एक करना है तो एक एक कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा करना है इसलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। करने के बाद दोस्तों देखेंगे RECUVA रिकवर, रिकवर पर क्लिक करेंगे। करने के बाद दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पे रखना है इस चीज़ को। जैसे हमने अबू हमजा में से डिलीट किया था, हमने इसी पे करके ओके कर देना है। यहाँ पे लिखा डू यू वांट टू रीस्टोर सेम ड्राइव्स, यानी आप चाहते हैं उसी ड्राइव में सेम रीस्टोर करना, हमने यस करना है दोस्तों। यस करने के बाद देखेंगे प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है रीस्टोर का। यहाँ पर लिख रहा है करंट प्रोसेस 0%, 6 फाइल्स, और दोस्तों ये 20 मिनट की टाइमिंग ले रहा है। बट दोस्तों देखेंगे बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे जितना टाइम लिखता है उतना में होता नहीं है दोस्तों, ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं रिकवर कैसे होगा। दोस्तों अभी रिकवर स्टार्ट हो गया हमारा, 1% हो गया, आप देख सकते हैं इसको कि रिकवर हमारा 1% हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा डेटा सारा रिकवर हो चुका है। दोस्तों अब हम चलते हैं माय कंप्यूटर में और ओपन करते हैं अपनी ड्राइव, देखेंगे अबू हमजा जिसमें का डेटा हमने डिलीट किया था वो सारा डेटा हमारा रिकवर हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर लेंगे, आप 100% ये आपका काम करेगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका काम करेगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए ताकि हम अपनी वीडियो का अपडेट आपको देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।